हे एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ एक नेचुरल ब्लीच। तो गाइज, अगर आपको फेस पर इचिंग हो जाती है कोई भी ब्लीच यूज़ करेंगे तो आप इस ब्लीच को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और कोई भी आपको रिएक्शन नहीं होगा। तो ये है VLCC की नेचुरल साइंस इंस्टा ग्लो हर्बल ब्लीच। तो ये आपको कुकुम्बर एंड रोज़ पेटल्स के बनी हुई मिलती है और ये जो ब्लीच है बहुत ही अमेजिंग है। अभी आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है, एक पाउच मिलता है मसाज के लिए और एक्टिवेटर मिलता है, क्रीम मिलती है। तो गाइस, हम इनको यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत ही अच्छी है, मुझे भी फेस पर कभी भी ब्लीच सूट नहीं करती है, बट ये जो ब्लीच है रियली में बहुत अवेसम, एकदम नेचुरल है और काफ़ी अच्छी लुक भी देती है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो अंदर क्रीम है उसको यूज़ कर लेना है। तो ये जो डिप्पी है इसमें से मैं एक बार के लिए निकाल रही हूँ। इसको हम अपने फेस पर 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये 27 ग्राम का पैक है, 55 रुपीज़ में आपको इजीली ये मिल जाती है। तो मैंने इसमें निकाल ली है और इसमें मैं एक्टिवेटर डाल रही हूँ। तो गाइस, एक्टिवेटर आपको थोड़ी ही क्वांटिटी में डालना होता है। अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो आपको जो फेस है वो जलने लग जाएगा। तो अगर आपके फेस पे ब्लीच सूट नहीं करती है तो एक्टिवेटर को आप कम डालिए। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है कि आपके फेस पर ये ब्लीच सूट नहीं करेगी तो आप इसमें 1-2 बूंद एलोवेरा की डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल की। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा। इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, चलाते रहिए और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर से चलाना है आपको। ओके गाइज, तो हम इसको साइड में रख देते हैं। फिर हम इसका जो ये पैक है इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको पहले फेस की मसाज करनी है। तो इससे क्या होता है, आपके फेस की क्लिनजिंग हो जाती है। पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और इसको मैं कैंची से कट कर लेती हूँ। तो इसके अंदर जो क्रीम है उसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करनी है। तो इसमें ये क्रीम निकली है और सबसे पहले आपको कोई भी आपको क्रीम या लोशन कुछ भी ले लेना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और उसमें इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करके ही आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरे फेस पर अपने मसाज कर लीजिए इससे, और तब तक मसाज करनी है जब तक ये क्रीम पूरी अंदर ना चली जाए। ओके गाइस, तो इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए और आपको सर्कुलर मोशन में इससे मसाज करनी है अच्छे से। आप चाहे थोड़ा रोज़ वाटर वगैरह भी ले सकते हैं या फिर लोशन भी ले सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं। तो ये जो ब्लीच है गाइस बहुत ही अमेजिंग है, कुकुम्बर और रोज़ पेटल्स से बनी है, यानी कि खीरे से बनी हुई है और रोज़ के पेटल से बनी हुई है। तो बहुत ही अमेजिंग ये रिजल्ट देती है और बिल्कुल भी आपके फेस पे कोई जलन, कोई इचिंग नहीं होती है। तो देखिए, धीरे धीरे ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है क्रीम, तो मैं इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले रही हूँ ताकि मैं इसको और अच्छे से मसाज कर सकूँ। तो ये 55 में आपको विद पोस्ट ब्लीच पैक के साथ मिलता है। तो मैंने अच्छे से मसाज कर ली है अपने फेस की और पूरे फेस पर आपको अपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो जब भी आप कोई भी क्रीम यूज़ करें तो उसको पहले आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें। तो अच्छे से ये क्रीम जो है मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने वो क्रीम मिक्स करके रखा था एक्टिवेटर में वो हम लेंगे और उसको मैं आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो इसको अच्छे से हमने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है एंड आप देख सकते हैं इसी को यूज़ करने के बाद फेस पर थोड़ा सा ग्लो आ चुका है। देखिए, काफ़ी अच्छा फेस क्लीन हो गया है इससे। तो इसको अच्छे से अपने फेस को मिक्स करके अब हम इस क्रीम को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो एक्टिवेटर है वो अच्छे से इसमें घुल जाए और फिर इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो आपको इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, अपनी आँखों को बचाकर रखना है क्योंकि आँखों में रिएक्शन हो सकता है। और जब भी ब्लीच करें तो अपनी लगाने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लें ताकि आपकी आँखों में इसका केमिकल ना जाए। तो गाइस, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसमें केमिकल ना हो, तो केमिकल तो हर चीज़ में होता है, बट ये जो ब्लीच है काफ़ी अच्छी है, इसमें केमिकल बहुत ही कम मात्रा में पड़ा हुआ है। तो इसको अपने आप पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। और आपको इस ब्लीच को कम से कम 10 मिनट अपने फेस पर रखना है ताकि जो आपके फेस के जो बाल हैं और वो ब्राउन हो जाएं और उन पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए। तो इस तरीके से आप अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए। आप इसको नेक पे भी और बैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
गाइज जी देखिए मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है और अब सूखने के बाद मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलूँगी, इसको छुटा कर आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे वर्क करता है। और तो अच्छे से ये सूखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सुखाने के बाद मैंने इसको हटा लिया, थोड़ा मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से हटा रही हूँ और देखिए कितना अच्छे से फेस क्लीन हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस क्लीन हो जाएगा इससे। आप अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए इससे और फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लीजिए तो आपका फेस जो है बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। देखिए फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आया है, तो आप इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।